प्रभु जिसको जिस क्षण चाहे ज्ञानी बना दे और जिस क्षण चाहे मूर्ख बना दे। लेकिन माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जेही पर कछु निज स्वार्थ होई तेही पर ममता कर सब कोई। जिससे स्वार्थ रहता है उसमें कुछ ना कुछ ममता निकलती है। तो माता पार्वती से हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, जालंधर, जय विजय सबकी कथाएं बताई। माता पार्वती ने किसी पर जोर नहीं दिया। लेकिन जहां बात गुरुदेव की आ गई, माता पार्वती ने कहा, रे प्रभु प्रभु मुझे वो कथा बताइए, मुझे जानना है वो कैसे गुरुदेव ने श्राप दिया, आखिर ऐसा क्या कारण होगा जो गुरुदेव ने श्राप दिया, वो बात मुझको बताइए। महादेव कहते हैं, तो सुनो देवी जी, आपके परम पूज्य परम विद्वान गुरुदेव एक दिन हिमालय की गुफाओं में, हिमालय की गिरी कंदराओं में घूमते फिरते चले जा रहे थे। हिमालय की नैसर्गिक छटाओं का आनंद ले रहे थे कि हिमगिरी गुहा एक अति पावनी और बह समीप सुर सरी सुहावनी। प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए नारद जी महाराज घूमते हुए चले जा रहे थे कि निरखि शैल शरी पिपिन विभागा और भयउ रमापति पद अनुरागा। क्या सुंदर बात है, वाह। ध्यान दीजिएगा, सूत्र दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। नारद जी महाराज देख तो रहे थे संसार की माया। भाई प्रकृति भी भगवान की माया का ही एक स्वरूप है, सौंदर्य। देख तो रहे थे भगवान की माया, लेकिन माया देखते देखते माया पे मोहित नहीं हुए, मोहित हो गए, मन लग गया मायापति पर, मायापति की तरफ ध्यान चला गया। और हम लोगों में आप में क्या गलती कर देते हैं जानते हैं? हम लोग अपने साथ माया को अलग रखते हैं और मायापति को अलग रखते हैं। आप कहें कैसे? हम और आप सबकी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग 24 घंटे में से आधा घंटा एक घंटा नित्य निकालते हैं, जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं या सुंदरकांड करते हैं या रुद्राष्टाध्याय करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से मंदिर में पूजा करते हैं, आधा घंटा, एक घंटा। और उसके बाद बचे 23 घंटा, 23.5 घंटा दुनिया भर के क्या ऐसे काम नहीं है जो नहीं करते हैं, आप बताइए। और फिर वही आधा घंटा आकर के पूजा कर लेते और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। देखिए, पूजा आदत में नहीं होनी चाहिए, पूजा स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत सूत्र की बात है, आप मत करिए पूजा आधा घंटा, कोई नहीं कह रहा, भगवान आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप आइए आप हमारी आधा घंटा पूजा करिए। लेकिन आप 24 घंटे यदि उन्हीं परमात्मा को अपने साथ मानने लग जाएं, आप आधा घंटा पूजा करें और कुछ ना करें उसके बाद, मतलब चोरी बेईमानी करें, झूठ बोले 50, क्या मतलब है, क्या अर्थ है उस पूजा का? इसके बजाय यदि आप 24 घंटा परमात्मा को अपने साथ ही मानने लग जाएं, श्वास श्वास में राम को मानने लग जाएं, तो आप बताइए आपसे कोई बेईमानी होगी नहीं, कोई झूठ होगा ही नहीं, कुछ ऐसा होगा ही नहीं। माताओं बंधुओं, गड़बड़ यही होती है। नारद जी महाराज के साथ अभी तक यही अच्छा हुआ सूत्र ये है कि वो देख रहे थे माया को, लेकिन मन लगा माया पति में। और हम लोग करते हैं पाठ, लेकिन मन उस समय भी रहता है कि कितने जल्दी खत्म हो जाए और कितने जल्दी हम अपने काम में लग जाएं, वहां जाना है, वो करना है। एक घटना आपको बताऊं, कानपुर के जज साहब रहे, कानपुर के, तो वो बहुत हनुमान जी के भक्त थे, बहुत बड़े वाले। लेकिन उसके साथ उनकी एक खूबी थी कि वो अपने हाथों से मटन भी बड़ा अच्छा बनाते थे। अब क्या हुआ कि गांव के लोग एक दिन आ गए, तो गांव के लोगों ने कहा कि जज साहब आज, अब गांव के लोगों के लिए क्या जज, वो तो पुराने मित्र हैं सब, तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो आपके हाथ का ये शाम को मटन हो जाए तो क्या कहना है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आज तो मंगलवार है, आज तो मैं सुंदरकांड करता हूँ, तो कहा रहे लेकिन रात में वापस गांव भी जाना है, तो कहा ऐसा है मैं कोर्ट से आता हूँ, फिर देखते हैं, फिर करते हैं कुछ इंतजाम। अब जज साहब आए शाम को आके ही उन्होंने स्नान ध्यान किया और उन्होंने सोचा कि ऐसा करूं कि अब मैं सुंदरकांड पढ़ने बैठा तो हो जाएगा गड़बड़, इनको गांव वापस जाना है। तो उन्होंने सोचा ऐसा करूं कि पहले मैं छौंक लगा दूं। देखिए सब्जी में स्वाद केवल वही छौंक का होता है, कमाल वही है, वही कला है, बाकी सब विज्ञान है।
एक कवि कहते हैं, तो बस वही एक कला है। तो माताओं बंधुओं जो छोंक लगती है जीरा और जितना, वही सबके हाथ की कला है। तो उन्होंने सोचा ऐसा करूं कि मैं छोंक लगा दूं, जाके सुंदरकांड करने बैठ जाऊंगा, तब तक वो अपना पक जाएगा, डाल के उसको जैसा भी गर्म होता होगा उबलता होगा। अब उन्होंने लगाया स्नान ध्यान सब, मतलब पहले छोंक लगाया और छोंक लगाने के बाद सब डाल दिया, रख दिया, तुरंत स्नान करके और बैठे करने की जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आए सीता ही, जब लगी आवो सीता ही देखी, तब तक बोला रे मंटू मंटू थोड़ी सी गैस धीमे करना, लग न जाए, हुई काज मोई हरस विषय की, यह कहीं नाई सब कहूं माथा, चले हरस यह धरी रखना था, मंटू मंटू महक आ रही यहां तक, देखो जरा सा एक बार हिला दो, फिर चालू कर दिए। हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अब बताइए मन लगा हुआ है उस मटन में, क्या हनुमान जी महाराज के पाठ से कोई भी लाभ मिल रहा है? ऐसी भक्ति से कोई अर्थ नहीं है माताओं बंधुओं, ये निरर्थक भक्ति है, निरर्थक पूजा है, निरर्थक पाठ है। इससे अच्छा ये है कि आप वो मत करिए, याद कर लीजिए प्रभु को, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आपका काम बन जाएगा। माताओं बंधुओं यही सूत्र दे रहे हैं नारद जी महाराज, क्या कि निरख शैल शरी पिपिनो विभागा, लेकिन भयउ रमापति पद्म अनुरागा। लग गया भगवान में मन, देख रहे थे प्रकृति माया भगवान की, तो क्या हो गया, जब भगवान में मन लग जाता है तो कोई बाधा आ सकती है, भगवान की कृपा हो जाए तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, वही दक्ष प्रजापति का श्राप, कभी ठहर नहीं पाएंगे आप कहीं। देखी बिमल मन सहज बिमल मन लागी समाधि, और समाधि लग गई नारद जी महाराज की, यही सूत्र है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधिया, जहां जहां आपका मन जाएगा और यदि आपके मन में परमात्मा विराजमान है तो वहां वहां समाधि की अनुभूति होने लग जाएगी। अब माताओं बंधुओं नारद जी महाराज की तो समाधि लग गई, लेकिन इंद्र देवता डर गए। इंद्र देवता को लगा कि कहीं ये हमारी कुर्सी को ना पाले। राजनीति केवल लोकसभा में ही नहीं है, परलोक सभा में भी खूब राजनीति चलती है, तो ये परलोक सभा की राजनीति, कहा ऐसा है ये हमारी कहीं कुर्सी ना छीन ले। तो क्या किया उन्होंने, कामदेव को बुलाया, जाओ कामदेव जाकर के नारद जी के हृदय में क्षोभ पैदा करो। देखी प्रभाव सुरेश डराना, और काम ही बोली कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरषि जल चर के तू। कामदेव चल पड़े नारद जी महाराज के मन में क्षोभ पैदा करने के लिए। गोस्वामी जी ने नीति लिख दी माताओं बंधुओं की, सुख हाड़ लय भाग सठ। आज समझाए कोई इस इंद्र को, कोई समझाए कि नारद जी का मन राम पद में लग गया है, और जिसका मन राम पद में लग जाता है ना, फिर वो राज पद के लिए लालायित नहीं रहता है। ये राज पद उसके लिए उसी प्रकार है जैसे कि सिंह के लिए सूखी हड्डी। ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी सुंदर बात लिखी गोस्वामी जी ने। ध्यान दीजिएगा, ये जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता बड़ा विचित्र जीव होता है माताओं बंधु। कुत्ता क्या करता है, कहीं से सूखी हड्डी पकड़ के और छीन बांध के कहीं से बीन के ले आता है कुत्ता, और उस सूखी हड्डी को चबाता है। चबाते चबाते, क्योंकि सूखी हड्डी से कुछ निकलेगा नहीं, तो खुद के ही दांत और दाढ़ चोटिल हो जाती है, और जो खून निकलता है ना उसी से रक्त निकलता है, उसी रक्त को वो मतलब पीता है, चूसता है। वो सोचता है कि इस हड्डी से निकल रहा है, जबकि वो अपने ही को चोटिल करके अपना ही खून पी रहा होता है। और माताओं बंधुओं उसी समय गलती से वहां से कोई सिंह गुजर जाए ना, तो ऐसा लेकर के भागता है वो उस हड्डी को कि कहीं ये हमारी हड्डी ना छीन ले। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि सिंह किसी का किया हुआ शिकार खाना तो दूर, उसे सूंघता भी नहीं है, वो स्वयं किया हुआ शिकार खाता है। सुख हाड़ लय भाग सट, अरे दोहावली में तो एक और इससे भी ऊपर की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने,
कहते हैं लखी गयंद लय चलती भज स्वान सुखानो हार। अगर कुत्ता सूखी हड्डी ले आओ और हाथी वहां से गुजर जाए, आप बताइए भाई, हाथी पहली बात तो शाकाहारी होता है, मांसाहारी जीव तो होता नहीं है, और दूसरी बात अगर मांसाहारी गलती से होता भी तो वो छोटी सी हड्डी उस हाथी के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान किसी काम की तो है नहीं। लेकिन अब ये कुत्ते को कौन समझाए। तो लखी गयंद लय चलती भज स्वान सुखानो हार। गज गुण मोल आहार बल महिमा जान किराल। वो ये थोड़ी जानता है कि गज का क्या गुण है, क्या मोल है, क्या आहार है, कितना बल है। गोस्वामी जी नीति रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि सुख हार लय भाग सठ स्वान निरखी मृग राज छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति ही नलाज। शर्म नहीं आ रही है आज इंद्र को, शर्म नहीं आ रही है। अब क्या हुआ, कामदेव तो पहुंचे और कामदेव जब पहुंचे ना तो उन्होंने पहले छावनी बना दी वहां पे अपनी, सारे सहायकों को कहा जाकर के पहले तुम घेराबंदी करो, हम पीछे से आते हैं। क्या किया, कह रहे हैं कितने ही आश्रम ही मदन जब गया तो निज माया बसंत निर्मय। पहले बसंत को भेजा फिर चली सुहावन त्रिविध बयारी शीतल मंद सुगंध सुबाऊ। तीनों प्रकार की वायु बहने लग गई। वो काम क्रसान बढ़ावो निहारी, जो काम के वेग को काम की अग्नि को बढ़ाती हैं, वो सारा माहौल बन गया वहां पे। फिर क्या बोला, ऊपर से अप्सराएं बुलाई रंभाधिक सुर नारी नबीना, रंभाधिक सुर नारी नबीना सकल असम सर कला प्रवीणा कर ही गान बहुतान तरंगा और बहु विधि ग्रीण ही पानी पतंगा। माताओं बंधुओं सारी अवसराएं नारद जी महाराज के मन में काम को पैदा करने के लिए, क्षोभ को पैदा करने के लिए नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं, नाना प्रकार के खिलवाड़ कर रही हैं, संगीत धुनी बज रही है। अब माताओं बंधुओं सबने खूब प्रयास किया कि नारद जी महाराज के मन में काम वेग उत्पन्न हो जाए, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, कुछ नहीं हुआ नारद जी महाराज को, समाधि टस से मस नहीं हुई। तो निज भय डरे उ मनोभव पापी, कामदेव को लगा कि ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अरे मैं नारद जी महाराज को अगर समाधि नहीं तोड़वा पाया तो क्या होगा। तो क्या किया, सोचा एक काम कर, क्यों नहीं समाधि टूटी ये भी समझ लीजिएगा, कोई नारद जी महाराज का पुरुषार्थ नहीं था इसमें, ये तो सीम की चापी सकई को तासू बड़ रखवार रमापति जासु। क्या उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है जिसकी रखवाली परमात्मा स्वयं कर रहे हो, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। कामदेव गए और जाकर के प्रणाम कर लिए, दंडवत कर लिए, महाराज क्षमा करो क्षमा करो। तो नारद जी समाधि से उठे, क्या हो गया कामदेव, आप क्यों मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। कामदेव ने कहा, प्रभु बात ऐसी है कि मैं आपके मन में क्षोभ पैदा करने आया था, आपके मन में काम के वेग को उत्पन्न करने आया था, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं हार गया। तो नारद जी ने कहा, क्या आपने कहा कि क्या आप मुझसे हार गए। हाँ 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 प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाया। तो नारद जी बोले, इसका मतलब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली क्या। बोले हाँ प्रभु, विजय प्राप्त कर लिया आपने। तो नारद जी महाराज ने सोचा, माताओं बंधुओं, कि मैंने काम पर तो विजय प्राप्त कर ही ली है, सामने ही अभी बिना किसी मेहनत के बिना किसी प्रयास के, और ये माफी मांग ही रहा है, तो क्यों ना इसको माफ करके मैं क्रोध पर भी विजय प्राप्त करूं। अरे भाई, गुस्सा करूंगा तो क्रोध रहेगा, क्षमा कर दूंगा तो क्रोध विजय प्राप्त हो जाएगी। तो सोचा एक साथ दो दो डिग्रियां मेरे जेब में आ जाएंगी, काम पर भी विजय प्राप्त हो गई, क्रोध पर भी विजय प्राप्त हो गई, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और यही गलती कर देते हम लोग। देखिए, नारद जी महाराज को चाहिए था कि वहां पर कामदेव को फटकारें कि मूर्ख,
मैं भगवान की तपस्या में लगा हूँ, समाधि में लगा हूँ, और आकर के आप मुझ में विघ्न डाल रहे हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि मैं आप पर क्रोध ही ना करूं, आपको डांटू भी नहीं। अरे मैं नहीं डांटूंगा तो आप कल जाके किसी और की समाधि तोड़ने का प्रयास करेंगे, कोई तो कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन गलती यही कर देते हैं हम लोग कि जहां जिस व्यक्ति को फटकारना चाहिए या जो व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं है उसको तो हम लोग भरपूर सम्मान देते हैं, और जो व्यक्ति सम्मान के लायक है, जो सम्मान का अधिकारी है, उसका अपमान करते हैं। या यूं कहें, हम इस बात को यूं समझिए कि सम्मान के लायक व्यक्ति का सम्मान करने की हमको आदत पड़ जाती है ना, इसलिए सहजता में ही जो सम्मान के सच्चे अधिकारी हैं उनका अपमान करने की भी आदत पड़ जाती है, वो करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप हो जाएगा। यही कारण है कि बड़े बड़े बाहुबलियों का तो आज सम्मान हो रहा है और संत महात्मा दुत्कारे जा रहे हैं, सज्जन लोग दुत्कारे जा रहे हैं। अगर कोई आपसे कह दे ना कि रे आप बड़े सीधे हैं, तो समझ जाइएगा कि उसने कोई आपकी तारीफ नहीं की है, वो केवल ये नहीं कह पा रहा है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। आज सीधा होना माने मूर्ख है, सज्जन होना माने कमजोर है व्यक्ति। माताओं बंधुओं, आज के युग में एक बात बताऊं, संतों को पाखंडी कहने का फैशन हो गया है, फैशन, चाहे आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो। नेताओं को भ्रष्ट कहने का फैशन हो गया है, नेता भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट नेता, और अधिकारियों को घूसखोर कहने का फैशन हो गया है, फैशन, चाहे वो हो और चाहे ना हो, ये फैशन है भाई। अधिकारी है तो घूसखोरी होगा, नेता है तो भ्रष्टी होगा, संत है तो पाखंडी होगा, ये फैशन हो, ये बदलने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, नारद जी महाराज को चाहिए था डांटे कामदेव को, लेकिन क्या कर रहे हैं, भयउ न नारद मन कछु रोसा, और कही प्रिय वचन काम परितोषा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मत करना, कोई बात नहीं। वाह साहब, अब कामदेव अपनी जान छुड़ा के निकले, जाकर के पहुंचे इंद्र के पास, सारी सभा में बताया कि भैया हमारा कोई गलती नहीं है, हम उनके मन में क्षोभ पैदा नहीं कर पाए, इसमें हमारी गलती नहीं है, प्रभु के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं नारद जी, अब आप भी कुछ करने की प्रयास मत करिएगा, वहां जाने के प्रयास मत करिएगा, वो बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर भगवान की। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह भगवान के भक्त हैं, तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग भगवान के भक्त को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन माताओं बंधुओं, नारद जी की कहानी तो कुछ और ही चालू हो गई। नारद जी ने सोचा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली, अब तो दो दो विकारों पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, तो सोचा नारद जी ने कि चलो वैसा किया जाए, उन लोगों के पास चला जाए जिन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की है, तो उनको जाके बता दिया जाए कि अब हम भी आपके बराबर हो गए। तो उनने विचार किया कि काम पर किसने विजय प्राप्त की है, तो काम पर माताओं बंधुओं विजय प्राप्त की है हमारे महादेव ने, कामारी मनुजारी, हमारे महाकाल भगवान है जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की है, और कल हम लोगों ने चर्चा की इस बात की, और क्रोध पर किसने विजय प्राप्त की है, क्रोध पर विजय प्राप्त की है हमारे नारायण ने। कह रहीम हरि का घटियो, कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की, कह रहीम हरि का घटियो, जो भृगु मारी लात, क्षमा बलन को चाहिए और छोटन को उत्पात। तो कहने का अर्थ है नारायण ने विजय प्राप्त की क्रोध पे, और राम जी ने जिस प्रकार क्रोध पे विजय प्राप्त की है ना माताओं बंधुओं, वो तो आप आज यहां से वो तो लेके ही जाइएगा, लेकर कुछ ना ले जाए तो ये जरूर ले जाइएगा। बताऊं क्या, जैसे हमारे प्रभु श्री राम ने क्रोध पे विजय प्राप्त की है, यदि वो आपने फॉर्मूला अपना लिया तो फिर विश्व जीत जाएंगे आप, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कब की बताऊं, कहां की घटना है, ध्यान दीजिएगा, सुग्रीव नहीं आया 4 महीना, भगवान प्रवर्षण गिरी पे इंतजार कर रहे हैं, किष्किंधा कांड की घटना है, और सुग्रीव कह के गया था प्रभु
बस मैं सब माता जानकी को भी मिलवाऊंगा, आपकी सारी सेवा करूंगा, आप चिंता ना करिए। और चार महीना प्रभु प्रभु प्रवर्षण गिरी पे रहे। जब सुग्रीव सांस नहीं लिया तो भगवान ने कहा लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण वो मेरा मित्र जिसको मैंने मित्रता का पाठ पढ़ाया था, वो चार महीने से पूछने नहीं आया कि मेरा मित्र है कैसा, खोज खबर नहीं ली, लगता है वो मित्र मुझे भूल गया। वर्षागत निर्मल ऋतु आई और सुधी न तात सीता कह पाई, एक बार कैसे सुधि जानो तो कालहु जीति निमिष मह आनो, कतौ रहौ जौ जीवति होई तो तात जतन करी आनो सोई। पता पड़ जाए बस केवल जानकी कहाँ है, कैसी है जानकी जी। और लक्ष्मण वो सुग्रीव जानकी जी की तो हम खबर नहीं ले पा रहे, वो तो हमारी खबर नहीं लिया, उसे यही नहीं पता करना कि हम कैसे हैं यहाँ प्रवर्षण गिरी पे। लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोरी पिसारी, लगता है वो मित्र मुझको भूल गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्यों भूल गया, ऐसा क्या लगता है क्या कारण होगा भूल गया। बोले स्पष्ट कारण है सुग्रीव, अरे जिस कारण से हर व्यक्ति भूल जाता है, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े भक्त भूल जाते हैं अपनों को, क्या कारण है जानते हैं। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोरी पिसारी, क्यों, क्योंकि पावा राज कोस पुरनारी, बड़ा आदमी बन गया है, अब पैसा पा गया है, राज पा गया है, पद पा गया है, धन पा गया है, परिवार पा गया है, तो आज अपने इस मित्र को भूल गया। लक्ष्मण बड़ी बड़ी बातें की थी उसने, तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करियों सेवकाई, सब भूल गया, आया ही नहीं। इतने बड़े बड़े घोषणा पत्र दिए थे उसने, इतना बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो लिखा था उसने। एक बात बता दूं मैं, यहाँ कोई राजनीति का बैठा हो तो संविधान में नेता शपथ लेने जाता है ना, तो उसके संविधान के शपथ पत्र में ये अर्धाली लिखी रहनी चाहिए और उसको इस अर्धाली का पालन करना चाहिए कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहरी करी हों सेवकाई। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो यही पाने के लिए करता है सब। आज के कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, और अच्छे भी नेता होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के लोग पद पाने से पहले इसी प्रकार की बात करेंगे। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही, माताओं बंधुओं याद आ गई, वैसे तो मैं ज्यादा राजनीति पे नहीं बोलता, फिर भी याद आ गई तो सुना दूं एक शेर आपको। शायर अब वैसे भी होगा वो आने वाला है, अभी कुछ एक महीने दो महीने में दिख जाएगा वो शेर। कह रहा है शायर कि गरीबों की थाली में शाही पुलाव आ गया है, गरीबों की थाली में शाही पुलाव आ गया है, तो जान लो कि शहर में चुनाव आ गया। नेताओं की गर्दन में झुकाव आ गया है, तो जान लो कि शहर में चुनाव आ गया है। तो आप देखने को मिलेगा आपको दो महीने बाद ये सारी बातें। माताओं बंधुओं, भगवान कह रहे हैं वो मेरा मित्र मुझको भूल गया, बड़ी बड़ी बातें करके गया था सुग्रीव सुधि मोरी पिसारी, क्योंकि पावा राज कोस पुर नारी। तो भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या करें भूल गया, तो भगवान ने कहा मुझे इस बात का दुख नहीं है लक्ष्मण कि वो ये भूल गया, मुझे दुख इस बात का है कि वो साथ में एक बात और भूल गया है। क्या क्या भूल गया, कहा लक्ष्मण वो साथ में ये भी भूल गया है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, वो बाण अभी भी मेरे तरकश में रखा हुआ है, उसको मैंने अभी बेकार नहीं किया है, वो अभी भी है, और उससे जब बाली को मार सकता हूँ तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने का अर्थ यही है, जनता का बाण जब किसी को बना सकते हैं किसी की बिगाड़ भी सकते हैं, वही बाण है। बड़े सूत्र हैं रामचरितमानस में, ध्यान दीजिएगा, इसे केवल आप राम राम जय सिया राम वाला ग्रंथ मत समझ लीजिएगा, मैं बड़े कटु सत्य बात कह रहा हूँ भाई। उससे परलोक तो आपका सुधरेगा ही अवश्य, लेकिन इस लोक में यदि आपको कुछ चाहिए तो ये जीवन जीने की कला सिखाती है। रामचरितमानस से बाहर कुछ है ही नहीं संसार में, स्वामी तुलसीदास जी महाराज का नहीं, ये महादेव का साक्षात लिखा हुआ ग्रंथ है।
और इस संसार की कोई भी संवेदना, कोई भी व्यवहार, कोई भी आचार विचार ऐसे नहीं है जो इसमें परिभाषित ना हो। तो इसलिए बस खोजने की बात है, खोजने की आवश्यकता है। कह रहे हैं प्रभु लक्ष्मण मुझे इस बात का दुख है कि वो ये भी भूल गया साथ में, क्या बोले, जे ही सायक मारा मैं बाली ते ही सर हतों, उसी बाण से मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तुरंत मारो। राम जी ने कहा रख दो आज नहीं कल मारूंगा। ते ही सर हतों मूढ़ कह काली, और माताओं बंधुओं यही है क्रोध पर विजय प्राप्त करने का मूल मंत्र जो राम जी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जिसके ऊपर किसी के ऊपर आपको अत्यंत क्रोध जब आए तो आप मन में सोच लीजिएगा कि इसके ऊपर मैं कल क्रोध करूंगा, आज नहीं करूंगा, 24 घंटे बाद करूंगा। और माताओं बंधुओं विश्वास करिएगा, जैसे ही 24 घंटे बीतेंगे ना तो आपको लगेगा कि कहां वो व्यक्ति और कहां ये मेरा करोड़ों का मन जो मैं किसी के लिए दुखी करूंगा। कोई है जो मुझे दुखी कर सकता है? छोड़ो, जाने दो, संसार छोटा सा है, जीवन छोटा सा है, आनंद से रहो। माताओं बंधुओं, ये क्रोध पे जीत विजय प्राप्त करने का फॉर्मूला है जो प्रभु श्री राम दे रहे हैं। भगवान महादेव ने काम पर विजय प्राप्त की है। नारद जी ने सोचा लाओ इन दोनों को बता दें कि हम भी अब आपके बराबर हो गए हैं। तो सोचा पहले किसको बताएं, तो नारद जी ने सोचा कि पहले हमने काम पर विजय प्राप्त की थी तो पहले काम वाले के पास चलेंगे, क्रोध बाद में क्षमा किया था तो फिर नारायण के पास जाएंगे। तो किसके पास पहुंचे पहले? बोले तब नारद गव ने शिव पाही और जीता काम अहमिति मन माही। पहुंचे जाके नारद जी महादेव के पास। तो महादेव कहते हैं अरे कैसे हैं मुनिवर, कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा प्रभु आप जानते हैं एक बात, काम से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता विकार इस संसार में। काम का प्रभाव, काम की प्रबलता, काम का वर्चस्व, काम की ताकत। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक शत्रु को आप मजबूत नहीं बताएंगे तब तक ये कैसे पता पड़ेगा कि आपने किस पर, आपकी जीत का महत्व कैसे होगा? जब तक शत्रु की नहीं बताएंगे कि उतना बड़े उसको हम जीते। काम काम काम। तो महादेव ने सोचा कि जो मेरे नारद जी 24 घंटे राम 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 करते थे, आज क्या हो गया इनकी बुद्धि को, ये काम 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 किए जा रहे, क्या हो रहा है? और मार चरित, मार पर्यायवाची है कामदेव का, मार कहते हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए। जो राम चरित सुनाते घूमते थे वो काम चरित सुना रहे हैं आज। महादेव को लगा ये हो क्या गया है हमारे नारद जी को। तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए। महादेव ने कहा देखिए कहना क्या चाहते हैं आप। उन्होंने कहा ऐसा है कि काम तो है प्रबल और हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली। हमसे काम विजय प्राप्त कर ली? अरे कहा आपको तो जलाना पड़ा था, तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था, हम कुछ नहीं किए, दंडवत हुआ है आकर के बैठे बैठे। आपको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ गई, हमारे पास स्वयं आके दंडवत गिरा है कामदेव, क्षमा किया है हमने उसको, जीत लिया हमने कामदेव को। तो महादेव ने कहा ऐसा है नारद जी, आपने कामदेव को जीत लिया क्या? हाँ जीत लिया। तो नारद जी ऐसा है कि ना आपने कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना, इस बात को यहीं दफन कर दीजिए।